आपको पता है मेरे यहाँ स्टेज पे पीछे कोई गाना बजा रहा है, अब मैं दो बार भेज चुकी हूँ किसी को बोलने के लिए कि ये बंद कर दो पीछे का गाना। फिर मैंने कहा ये मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक है आज के प्रोग्राम का, थॉट्स का तुम जोर से चल रहा है पीछे, यहाँ पे कोई सारा सुनाई दे रहा है। हम लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम उनके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते। एक थॉट क्रिएट करेंगे और वो एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस में शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो एक्सपेक्ट करते रहें बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, वो तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो किसी कारण से बजा रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम उतनी देर में चेंज हो गए क्योंकि हमारी खुशी ख़त्म हो गई। अब देखो सुन के और भी ज़ोर से हो गया वो। ये जीवन है, ये जीवन है। एक बार मैं सुरेश भाई के घर गई, वो मेडिटेशन करके उठे तो उन्होंने कहा सिस्टर मेरी वाइफ को ना जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ तभी इसको अपनी सिस्टर याद आती है और ये तब भी उससे फ़ोन पे बात करती है जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ। तो ये उनको गुस्सा आ गया, ये थोड़ी पुरानी बात है लेकिन उनको गुस्सा आ गया तब। तो मैं बोला अभी अभी तो आप योग करके बैठे मेडिटेशन करके बैठे तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, कि तो वो उसी टाइम फ़ोन पे क्यों बात करती है, साइलेंस चाहिए ना मुझे थोड़ा, मुझे मेडिटेशन करना है। तो उतनी बात करते करते नीचे से, मुंबई शहर है तो नीचे से सब्जी वाला जा रहा था, अच्छे अच्छे सुना सुना के अपनी सब्जी कौन सी बेचनी। मैं बोला ये भी तो इतनी ज़ोर से बोल रहा है। बोले कौन? बोलो सब्जी वाला। हाँ तो सब्जी वाला सब्जी नहीं बेचेगा अपने, वो तो बेचेगा ही ना। तो मैं बोला वो डिस्टर्ब नहीं करता? बोले नहीं उसका काम है वो सब्जी बेचना, वो तो बेचेगा ही। वो सब्जी वाले का वॉल्यूम वाइफ की वॉल्यूम से ज़्यादा था, लेकिन सी हाउ द माइंड वर्क्स, सब्जी वाले को एक्सेप्ट किया था, वाइफ से एक्सपेक्टेशन रखी थी। जिनको एक्सेप्ट किया वो डिस्टर्ब नहीं करते, जिनसे एक्सपेक्टेशन रखी वो डिस्टर्ब करते हैं। तो डिस्टर्बेंस उनकी आवाज़ की नहीं होती है, डिस्टर्बेंस हमारे मन के क्वेश्चन की होती है, ये क्यों ऐसा नहीं कर रहे जो मुझे चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है। कोई भी एक अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर कीजिए, देखते हैं कितनी नॉर्मल है। एनीबडी एनी एक्सपेक्टेशन, एनीवन? हाँ जी हाँ जी। तो वो एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं, आप क्या एक्सपेक्टेशन? मैं ये एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि वो मुझे समझें, लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम उनको समझें। क्यों ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होगा ही। क्यों होगा ही? क्योंकि लुक एट टू पीपल, ये टू पीपल, टू सोल्स, डिफरेंट संस्कार्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, क्या ये एक ही परिस्थिति में एक जैसा सोच सकते हैं? तो वो उसी सिचुएशन को ये अलग नज़रिए से देखेंगे, ये अलग नज़रिए से देखेंगे, दोनों को एक दूसरे का नज़रिया समझ नहीं आने वाला है, लेकिन दोनों एक दूसरे के नज़रिए को गलत कहना शुरू कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, लेट्स एक्सेप्ट दैट दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड सेकेंड लेट्स एक्सेप्ट के उनका पर्सपेक्टिव उनके नज़रिए से बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा और ज़ोर से क्या? अच्छा बस घर जाके सिर्फ इतना ही बोलना, उनका नज़रिया उनके पर्सपेक्टिव उनके संस्कारों के अनुसार सही है, भले मेरे लिए सही नहीं है, भले मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मेरे संस्कार और उनके संस्कार तो अलग होने वाले हैं ना। क्या किसी भी दो आत्माओं के संस्कार एक जैसे हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हर सोल हैज़ बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग 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 जर्नी। हर जर्नी में, हर कॉस्ट्यूम में, शरीर अलग, परिवार अलग, परिस्थितियाँ अलग, आत्मा पर बने संस्कार अलग।
फिर ये शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, फैमिली अलग, शहर अलग, परिस्थितियां अलग, संस्कार अलग, फिर वो शरीर छोड़ा, तीसरा लिया, फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग, इतने सारे कॉस्ट्यूम्स लेकर हम यहाँ आए हैं। तो इस सीडी के ऊपर कितने सारे संस्कार रिकॉर्डेड है देख सकता है? 100 years इस कॉस्ट्यूम में, 100 years उससे पहले, 100 years उससे पहले, 100 years उससे पहले, रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग, संस्कारों की रिकॉर्डिंग। 2 CDs हैं, रिकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट। अब एक दिन दोनों CD की शादी हुई, अगर आपकी शादी जो CD है साथ में बैठी है तो आप देखो उनको अलग अलग, और हमने उनकी तरफ देखा और हमने कहा आप ऐसे कैसे हैं, उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे हैं, क्योंकि दोनों पे कुछ गाने अलग अलग थे। फिर हमने कोशिश की हमारी CD वाला गाना धीरे से उनकी CD पे कॉपी हो जाए। दे शुड अडॉप्ट आर संस्कार। उन्होंने कोशिश की कि उनकी CD का गाना हमारे पे हो जाए। हम ये कोशिश कर ही रहे थे कि 1-2 सालों के अंदर हमारे घर 3री CD आई, और हमने सोचा था ब्लैंक CD आएगी, हम अपने चॉइस के संस्कार उसके ऊपर लिख देंगे। वो तो CD भरी हुई आ गई, आई कि नहीं CD भरी हुई। कुछ गाने उनके हमारे से मैच करते थे, लेकिन कुछ गाने तो बिल्कुल अलग थे, इतने अलग थे कि कई बार हमने उनको देखा और हमने कहा ये मेरा बच्चा है क्या सच्चे में, क्योंकि ये तो मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर पेरेंट बिल्कुल कभी झूठ नहीं बोला और बच्चा बात बात में झूठ बोले, अगर पेरेंट बहुत कॉन्फिडेंस है और बच्चा हर छोटी बात के लिए डरे, तो पेरेंट को लगेगा ना मेरा बच्चा मेरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमें लगता है वो मेरा बच्चा है। वो मेरा बच्चा नहीं है, सोल ऑन अ जर्नी है, थोड़े साल के लिए सिर्फ हमारे घर में आए हैं। उनका एक पास्ट है और आगे उनका एक फ्यूचर है, सिर्फ एक कॉस्ट्यूम में हमारे साथ हैं। अब हमारी चॉइस है कि जब वो कुछ ऐसे गाने बजाएंगे जो हमारे गानों से अलग हैं तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? या तो बोलते रहे आई एक्सपेक्ट दिस, या फिर जस्ट एंजॉय द डिफरेंट म्यूजिक। एक्सपेक्टेशन शब्द ही दुख का कारण बन जाता है। रोज अपने आप को एक आशीर्वाद देना, सुबह सुबह ब्लेस योरसेल्फ, आई एक्सेप्ट ईच वन एज दे आर। इसको जीवन का मंत्र बनाओ, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। एक्सपेक्टेशन वाला गाना हट जाएगा, एक्सेप्टेंस का गाना रिकॉर्ड हो जाएगा। इट्स ओनली अ वे ऑफ थिंकिंग, ये एक सोचने का तरीका है। बचपन से हमें किसी ने नहीं सिखाया एक्सेप्टेंस, सबने कहा एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन, इसने भी सीख लिया एक्सपेक्टेशन, लेकिन इसका सोचने का तरीका हम बदल सकते हैं। कितने दिन लगेंगे बदलने में तरीका, एक सोचने का तरीका बदलने में कितने दिन लग सकते हैं, कितने दिन लग सकते हैं एक सोचने का तरीका बदलने में? क्या तकलीफ वाला काम है? तकलीफ तो रोज हो रही है एक्सपेक्टेशन रख के। हम चिंता और दुख में रह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके संस्कार नहीं चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं वो डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट है या जीवन डिफिकल्ट है विद द एग्जिस्टिंग संस्कार? कौन सी चीज ज्यादा डिफिकल्ट है? संस्कार चेंज हो गया अगर, तो सिर्फ ये जीवन बेनिफिट नहीं होगा, यहां जितनी मेहनत सारा दिन करते हैं, पहले जीवन में 20-25 साल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मेहनत करके कमाते हैं, एक एक चीज घर की खरीदते हैं, एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ेंगे, सब पीछे रह जाएगा, फिर से नर्सरी में जाना पड़ेगा।
एवरीथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, सिर्फ एक चीज साथ में जाएगी, मेरे संस्कार। तो वर्थ नहीं है थोड़ी सी मेहनत करना? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आज हमने ये संस्कार क्रिएट किया हर्ट होने का, गुस्सा होने का, नाराज होने का, एक सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी, वो बच्चा भी वैसे ही होगा। बच्चे हर्ट होते हैं, बच्चे हर्ट होते हैं, बच्चे गुस्सा करते हैं, कौन सी एज से करते हैं? बच्चे कौन सी एज से गुस्सा करते हैं? बच्चे कौन सी एज से गुस्सा करना शुरू करते हैं? हाँ जी, पैदा होते ही कौन गुस्सा करता है? बच्चे कौन सी एज से गुस्सा करना शुरू करते हैं? नाउ हैव वी एवर स्टॉप टू चेक उनको गुस्सा करना किसने सिखाया? हमने नहीं सिखाया, वो अपनी सीडी पे पीछे से लेकर आए थे। अब हमारी चॉइस है कि वो जो सीडी पर गाना लेकर आए थे उसी को हम प्ले करते रहें, या हम उनको एक नया गाना रिकॉर्ड करने का तरीका सिखाएं। एक ही चीज हमारे साथ जाएगी, हमारे संस्कार और हमारे कर्म। तो लगता नहीं थोड़ी सी मेहनत कर लें उस पे? नहीं लगता थोड़ी सी मेहनत कर लें उस पे? यस, सारी जो मेहनत करेंगे वो उन्हीं बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे जिनके एक एक बात को देख के हर्ट होते रहते हैं। तो सारा सामान उनके पास रह जाएगा, उनकी बातों से हर्ट होकर हम हर्ट लेकर चले जाएंगे अपने साथ। ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये मेरी वैल्यू नहीं करते, ये मेरी राय नहीं लेते, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा, प्रॉपर्टी बाकी उनको देकर हम आगे चले जाएंगे। सी लाइफ, सी लाइफ। अब सब कुछ उनके लिए करें, लेकिन सब कुछ करते हुए यहाँ क्या रिकॉर्ड हो रहा है उसका ध्यान रखना है। हर सीन में परिस्थिति सामने से आएगी, हम जो सोच क्रिएट करेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट? जब कोई फोटो खींचती है तो हम सब कितने अच्छे से बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि एक बार खींच गई, एक बार खींच गई, फिर वो हर टाइम दिखेगा कैसे बैठे हुए थे ये। इट्स अ रिकॉर्डिंग। सिमिलरली एवरीथिंग जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। अटेंशन रख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है सारा दिन? अटेंशन रख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है सारा दिन? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल अटेंशन रखना कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है? यस, यस। अब ये जो खड़े थे यहाँ, ये गुस्सा कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, ये जो कर रहे हैं ये यहाँ नहीं रिकॉर्ड होगा। यहाँ क्या रिकॉर्ड होगा? यहाँ क्या रिकॉर्ड होगा? उनके इस व्यवहार को देखकर व्हाट थॉट आई विल क्रिएट, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर एक क्षण आएगा मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये भी पीछे रह जाएंगे, इनका व्यवहार भी पीछे रह जाएगा, इन्होंने जो मेरा नुकसान किया था वो भी पीछे रह जाएगा, लेकिन इनको वो सब करते हुए जो मैंने सोचा था वो रिकॉर्डिंग सीडी पर साथ में चली जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या चल रहा है सारा दिन? उनके व्यवहार को देखकर क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? अब अगर ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, हम यहां क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? व्हाट कैन वी रिकॉर्ड हियर? क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? वो उसका संस्कार है, वन। एनीथिंग एल्स? वो दर्द में है, टू। थर्ड, एनी अदर ऑप्शन? अगर हमने ये रिकॉर्डिंग की, वो उनका संस्कार है, वो दर्द में है, परमात्मा की शक्ति उनको भी मिले ताकि वो अपने दर्द को क्या करे, ठीक हो। जब ये हम थॉट क्रिएट करेंगे, यहाँ एक रिकॉर्डिंग हो रही है। ये वन टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग है। सेकंड टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, उन्होंने मेरी वैल्यू नहीं की, ये एक अलग टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग है। व्यवहार वही है, रिकॉर्डिंग दो अलग अलग है। व्यवहार हमारे कंट्रोल में नहीं है, रिकॉर्डिंग हमारे कंट्रोल में है,
और रिकॉर्डिंग ही मेरी खुशी का आधार है, उनका व्यवहार मेरी खुशी का आधार नहीं है। लेकिन हमें लगता है जब लोग हमारे से अच्छा व्यवहार करेंगे तब हम खुश होंगे। लोगों का व्यवहार देखकर हम क्या सोचेंगे वो डिसाइड करता है कि हम खुश होंगे या नहीं होंगे। तो सारी पावर किसके पास आ गई? सारी पावर किसके पास आ गई? हमारे पास। तो हमें सिर्फ कौन सी विधि सीखनी है कि कोई कैसा भी व्यवहार करे ये अच्छे से बात करे। किससे अच्छे से बात करे? किससे अच्छे से बात करे? ये मेरे से। एक होता है लोग मेरे से कैसे बात करते हैं, एक होता है मैं खुद से कैसे बात करते हैं। आपने कल सुबह बहुत अच्छे से नाश्ता बनाया, बहुत मेहनत की, प्यार से नाश्ता बनाया। भाई साहब आए डाइनिंग टेबल पे, खा रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं है कि इतना अच्छा बना। तो आप उधर बैठे हैं, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे। तो आपने उनको बोला हाँ, तो उन्होंने बोला क्या? तो आपने बोला ठीक है। क्या ठीक है? नाश्ता इतना अच्छा मैंने नई चीज़ बनाई आज। हाँ ठीक है, अच्छा बना। हाँ अच्छा बना, लेकिन मेरी मम्मी का ज़्यादा अच्छा बनता था। वो उन्होंने कहा और वो काम पे चले गए। अब मेरा मन कुछ कुछ बोलना शुरू करता है। उन्होंने एक ही लाइन बोली थी, अच्छा बना है लेकिन मेरी मम्मी का ज़्यादा अच्छा बनता है। सच बोला या झूठ? सच बोला या झूठ? सच। सही बोला या गलत? सही बोला या गलत? सही बोला या गलत? अच्छा चलो, सही बोला या गलत नहीं वो बाद में छोड़ते हैं। अब हम क्या बोलते हैं अपने आप को उसके बाद, बोलना शुरू कीजिए जरा। हम क्या बोलते हैं अपने आप को उसके बाद? इतनी मेहनत की, मेरी मेहनत पानी में चली गई। खा के तो गए वो नाश्ता अच्छे से, पानी में कहाँ चले गए? अच्छा महिमा नहीं मिली इसलिए पानी में चले गए। वन लाइन, इतनी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं। सेकंड, एनीथिंग एल्स? क्या मन रो, मन की कमेंट्री को देखना है जो अंदर चलता है। और क्या बोलता है मन? हाँ जी। अच्छा आपका मन बोलता है मैं दूसरी बार बनाऊंगी नहीं ये चीज। अब ये जो अंदर चलेगा ये इनकी वजह से चल रहा है, ये मेरे सोचने के तरीके से चल रहा है। उन्होंने कितनी लाइनें बोली, हम कितनी लाइनें बोलते हैं, और फिर 50 लाइनें बोल के मन इतना भारी हो जाता है हम कहते किसी से बात करनी पड़ेगी, मेरा मन बड़ा उदास हो गया। फिर कोई ना कोई फोन नंबर तो है ही जिसको हम सबसे पहले फोन करेंगे बताने के लिए। फिर हम उनको फोन करते हैं, हम कहते पता है आज क्या किया उन्होंने, ऐसा बोला, उससे बोला। सामने वाला से 4 लाइनें और सुना देता है वहां से, हाँ ऐसा ही है, कोई वैल्यू ही नहीं है घर के लिए। तो माइंड स्टार्ट्स क्राइंग मोर, पूरा दिन बीत जाता है ये अंदर रोने में। शाम को वो वापस आते हैं, हम बात ही नहीं करते उनसे ठीक से। वो कहते इनको क्या हुआ, सुबह तो ठीक थे। हम वेट कर रहे हैं कि वो आके सॉरी बोलेंगे हमारे को। वो सॉरी बोलते नहीं क्योंकि उनको यही नहीं पता कि उन्होंने कुछ गलती भी की थी। तो वो हम जब उनको देखते हैं कि वो सॉरी भी नहीं बोलते तो हम कहते पहले तो गलती किया, फिर वैल्यू भी नहीं किया, अभी आके सॉरी भी नहीं बोला। तो मन 5 लाइनें और बोलता है उसके ऊपर। वी सी द डिफरेंस नाउ, सिचुएशन और स्टेट ऑफ माइंड का कोई कनेक्शन नहीं है। खुशी उनके बोलने से गायब नहीं हुई थी, उनके वो बोलने के बाद ये जो अंदर बोलता है उसकी वजह से खुशी गायब होती है। अब उनके वो लाइन बोलने के बाद क्या हम कुछ अच्छा भी बोल सकते थे अंदर? क्या ऑप्शन है? कोई अच्छी लाइन सुना दो जो बोल सकते थे उस टाइम पे। हाँ जी, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। अच्छा और कोई अच्छी लाइन? और अच्छा मैं उनकी मम्मी की तरह खाना बनाना सीख लूंगी। अच्छा और कोई अच्छी सी लाइन? हाँ जी क्या बोल रहे, क्या कहा? हाँ बहन जी ने कहा मैं उनकी मदर से सीख लूंगी, ये भी अच्छी लाइन।
अब ये सारे अच्छे वाले ऑप्शंस, सी वी हैव टू चेक, ये सारे अच्छे वाले ऑप्शंस जो अभी निकल रहे हैं, क्या ये उस टाइम भी क्रिएट किए जा सकते हैं? बहुत मुश्किल क्यों है? बहुत मुश्किल, अभी तो आपने ही सुना है सारे अच्छे वाले क्रिएशन, क्यों? क्योंकि इसका हम रोज ध्यान नहीं रखते हैं, इसको हम रोज पावरफुल नहीं बनाते हैं, इसको हम रोज दिन भर दिन ध्यान नहीं रखने के कारण कमजोर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो कमजोर आत्मा मतलब गलत सोचना। अगर मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूं तो फिर इधर दर्द, इधर दर्द, इधर दर्द होना ही है। लेकिन अगर मैं इसका रोज ध्यान रखना शुरू कर दूं तो वो सारे एक्स एंड पेन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है? रोज इसका ध्यान रखना है, रोज इसका ध्यान रखना है, सारे एक्स एंड पेन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या हम आत्मा का ध्यान रखने के लिए रोज कुछ करते हैं? यस, यस, करना चाहिए, या ये अपने आप अपना ध्यान रख लेगा? करना चाहिए। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज मेडिटेशन, कि जैसे हम इसका ध्यान रखते हैं वैसे हम इसका ध्यान भी रखना शुरू करें। क्योंकि अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो ये धीरे धीरे, पहले भी हम इसका ध्यान नहीं रख रहे थे, आज भी नहीं रख रहे हैं, पहले असर कम होता था, आज असर ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडल भी दूषित होता जा रहा है। सपोज मेरी बैटरी यहां 50% पे है, और बहुत सालों से 50% पे है, लाइफ ठीक चल रही थी, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही चल रहा है। लेकिन सडनली आसपास के लोगों की बैटरी 20 पे आने लग गई है, और मैं रोज सुबह निकली अपनी 50 की बैटरी पे। तो जब मैं 20 के लोगों की बैटरी के साथ काम करूंगी, रहूंगी, तो 20 की बैटरी के साथ अगर 50 की बैटरी को रखेंगे तो वो 20 की बैटरी का हालचाल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो कम होने लगेगी। पहले ये 50 की बैटरी 50 की बैटरी के आसपास काम करती थी, तो हम सब मिलजुल कर 50 पर चल रहे थे, विच वॉज ओके। लेकिन अब बहुत लोग 20 पे पहुंचे हैं, कुछ लोग 10 पे भी पहुंचे हैं, और हम 50 पर ही चल रहे हैं, तो आसपास के 10 और 20 का हमारे ऊपर असर बहुत जल्दी हो जाता है। और इसलिए हम 50-50 पर नहीं रहते, हम 40-30-20 पर आ जाते हैं। अब हमारे को अपनी बैटरी को कितने पे लाना होगा? अब हमें अपनी बैटरी को कितने पे लाना होगा? कितने पे लाना होगा? 100। विच मीन्स अब वो समय गया कि हम बिना अपने आप को चार्ज किए रोज सुबह घर से निकल सकते हैं। क्योंकि अब अगर ऐसा किया तो वातावरण का असर हम पर पड़ रहा है।